नमस्कार स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड का संविधान, स्विस संविधान पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड का संविधान दुनिया का क्या है, एक आकर्षण केंद्र है, यानी वहाँ की क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वो क्या है, एक आकर्षण का केंद्र है। वहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा है लोकतंत्रीय व्यवस्था है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्रीय व्यवस्था है। और इंग्लैंड के अंदर आपने क्या पढ़े थे, संसदीय पद्धति, और अमेरिका में संघ की पद्धति, ठीक है। तो आपने स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है, कि स्विट्जरलैंड दुनिया का क्या है, एक सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। क्यों है, क्योंकि वहाँ के संविधान में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए परम महत्व का विषय है। इसलिए अपन ने स्विट्जरलैंड के संविधान में राजनीतिक व्यवस्थाएं जब देखा जाए तो उसमें समाजशास्त्र के आधार पर कुछ उन्होंने भौगोलिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, इसके बारे में भी बताया है कि क्या बताया है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्रीय तत्वों का विश्लेषण किए बिना असंभव है। यानी इसमें क्या है, समाजशास्त्र के आधार के ऊपर ही समाजशास्त्र के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें सबसे पहले है भौगोलिक स्थिति, यानी स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति कैसी है, स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कैसा है, स्विट्जरलैंड क्या है कि अल्पमत पर्वतमालाओं के अंग में अव्यवस्थित एक छोटा सा देश है। यानी चारों तरफ क्या है, वहाँ पे पर्वतों से ढका हुआ, पर्वतों से है, उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ होने की वजह से पर्वतों से ढका हुआ एक पर्वतमाला के अंग के अस्तित्व का है। इसका क्षेत्र पर लगभग 15950 वर्ग मील है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर तथा राजस्थान में जैसलमेर जिले के कुछ अधिक है, यानी इतना ही बड़ा है। यानी जैसे भारत के अंदर केरल राज्य है और उसके बराबर ही उसका मतलब क्षेत्रफल माना गया है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इनके चारों तरफ जर्मनी, इटली और फ्रांस, यह देश इनके चारों तरफ हैं, इससे घिरा हुआ है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति, स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति बताई गई है। इसी कारण इसे भूमि से घिरा देश कहते हैं। इसमें 20 पूरे क्या है कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्जरलैंड का एक बड़ा भाग कृषि के योग्य नहीं है, यानी वो वहाँ पे क्या है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए जो इनके क्षेत्रफल का एक जो भाग है उबड़ खाबड़ होने की वजह से वहाँ पे कृषि के योग्य नहीं है, वहाँ पे कोई उत्पादन नहीं होता है। समस्त भूमि के केवल 35% भाग में कृषि होती है तथा इससे केवल 23% जनता को उदारपूर्ण होती है। लोहा और कोयले की खाने भी वहाँ अधिक नहीं है, अतः व्यवसाय के लिए वहाँ अधिक अवसर नहीं है। यानी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में क्या बताया है, भौगोलिक क्षेत्र का महत्व यही बताया गया है कि स्विट्जरलैंड के संविधान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ होने की वजह से काफ़ी प्रतिशत में उनमें क्या है कृषि का वो उत्पादन नहीं किया जाता है। वहाँ लोहे इस्पात इनकी भी कोई खान नहीं बताई गई है। अगली है आर्थिक स्थिति, यानी स्विट्जरलैंड में खनिज पदार्थों का अभाव है, लोहे के स्रोत और तत्वों के माल की भारी है। देश को ऊंची नीची सतह होने के कारण परिवहन और यातायात कठिन हो गया है। यानी वहाँ की जो व्यवस्था है वो पर्वतमालाएं हैं, वो पर्वतों से ढकी हुई हैं, इसलिए वहाँ का जो रोड है, वहाँ की जो सतह है वो समतल न होकर के उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहाँ के परिवहन को भी कठिनाई होती है। फिर भी स्विट्जरलैंड एक उद्योग प्रभाव देश कहा जा सकता है। यानी स्विट्जरलैंड का जो देश है वो उद्योग का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी बताई गई है। वहाँ न तो लोग अमीर है बहुत ज़्यादा और न ही बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए बीच में मध्यम में है ना, इसलिए वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। इसलिए वह क्या है, विदेश व्यापार बहुत उन्नत और पर्यटन व्यापार उनके जीवन का प्रमुख आर्थिक आधार बताया गया है। यानी दूसरी जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है कि तेल स्रोत का और कच्चे
कच्चा जो माल है वो बहुत ही कम है वहाँ पे, और वहाँ का जो पर्वतमालाओं से घिरी हुई होने की वजह से क्या उबड़ खाबड़ सतह होने से वहाँ के परिवहन में भी क्या होती है दिक्कत होती है इसलिए। लेकिन वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो न तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे गरीब हैं और न ही बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए बीच में है, तो इसलिए वहाँ की जो स्थिति है वो खराब नहीं है। सामाजिक रचना यानी समाज की रचना है वहाँ पे, अलग अलग तरह के जाति धर्म भाषा ये भी उसमें पाई गई है। जाति धर्म तथा भाषा के आधार पर भी स्विट्जरलैंड का क्या है जनसंख्या एक नहीं है, जनसंख्या वहाँ पे एक नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है जाति अलग है, धर्म भी है और भाषाएं भी अलग अलग हैं, इसलिए वहाँ की जो जनसंख्या है वो एक नहीं बताई गई है। वहाँ तीन प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी, जर्मन, फ्रेंच और रोमन, यानी तीन तरह की भाषाएं बोली जाती है। लगभग 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषा के हैं और लगभग 5 भाग फ्रेंच भाषा के हैं और शेष जो बचे हुए हैं इटालियन भाषा के लोग लोग हैं। कुछ लोग रोमन भाषा की बोलते हैं, वहाँ जातिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं और स्विट्जर जनता में 72% जर्मन, 21% फ्रेंच और 6% इटालियन है, यानी वहाँ पे एक तरह की जाति के लोग नहीं हैं, जनसंख्या के आधार पे भी वो अलग अलग हैं वहाँ, इसीलिए वो क्या है कि स्विट्जरलैंड में जनसंख्या एक नहीं बताई गई है। लावेल के अनुसार स्विट्जरलैंड जाति जातियों का केंद्र बताया गया है क्योंकि वहाँ पे एक स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जातियाँ रहती हैं और वह उनका एक केंद्र बताया गया है। अनेक जातियों का मिलन होता है, वहाँ धार्मिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। देश को कुल जनसंख्या का 58% प्रोटेस्टेंट तथा 41% कैथोलिक, इन विविधताओं के बावजूद स्विट्जरलैंड जनता में अनूठा एक क्या है एकता है, यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी स्विट्जरलैंड में क्या बताई गई है एकता बताई गई है। अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बताई है, अलग अलग प्रकार की जातियां बताई हैं, इसके बाद में भी वहाँ पे एक अनूठी क्या है एकता बताई गई है। तीनों मुख्य भाषाओं को परिसंघ की अधिकृत भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। वहाँ धार्मिक सहिष्णुता भी पाई जाती है, सभी को अपने धर्म की को मनाने और स्वीकार किया गया है। वहाँ धार्मिक सहिष्णुता भी पाई जाती है, सभी को अपने धर्म को मानने और पालना करने का भी क्या है अधिकार है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उसके अधिकार को थोपा गया है, ऐसा नहीं बताया गया है, सबको अपने अपने अधिकार के हिसाब से रहना बताया गया है। तो ये आपने वुड्रो विल्सन के अनुसार बताया कि स्विट्जरलैंड के कैंटनों से मिलकर सारे संसार को यह है दिखा दिया कि किस प्रकार जर्मन वासी, फ्रांस वासी और इटालियन वासी पारस्परिक क्या है सहायता द्वारा, एक परस्पर सहिष्णुता द्वारा ऐसे संघ का निर्माण कर सकते हैं जो पूर्णतः सुदृढ़, स्थायी और स्वतंत्र बताया गया है। यानी सामाजिक रचना, जो सामाजिक वहाँ की समाज की जो रचना की गई है स्विट्जरलैंड की, वो यही बताई गई कि जाति धर्म तथा भाषा के आधार पे भी एकता बताई गई है, जनसंख्या के आधार पे वो एक नहीं बताया गया है, इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान हमें सामाजिक रचना इसकी इस तरह से बताई गई है।